जयपुर से बड़ी खबर है। मुरलीपुरा थाना पुलिस की कार्रवाई, ऑपरेशन आग के तहत कार्रवाई हुई है। अवैध हथियारों के साथ महिला गिरफ्तार, आरोपी महिला से दो पिस्टल, जिंदा कारतूस और खाली मैगजीन बरामद की गई है। जयपुर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। मुरलीपुरा थाना पुलिस की कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ महिला को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन आग के तहत ये कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों के साथ महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी महिला से दो पिस्टल, जिंदा कारतूस और खाली मैगजीन बरामद की गई है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां अवैध हथियारों के साथ महिला गिरफ्तार की गई। और सहयोगी ओम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा ऑपरेशन आग चलाया जा रहा है। तो उस ऑपरेशन आग के तहत पुलिस की जो स्पेशल टीम है मुरलीपुरा, दो पुलिसकर्मी है जो राजेश है, सुनील कुमार जांगिड़ है, उन दोनों को सूचना मिली थी कि जो झारखंड निवासी सौरभ चौधरी, जो अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर है, उसने अपनी जो बहन है सुमित्रा देवी, जो यहाँ रहती है कमलेपुरा इलाके में, तो उसके घर पर हथियार छुपा रखे थे। तो सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचने के बाद में जब सुमित्रा वहाँ मौके पर थी, तो पुलिस ने मौके पर उसके घर की तलाशी ली, तो उसके घर पर दो पिस्टल देशी, एक खाली मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस, 8 खाली खोल बरामद हुए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में है सौरभ जो है, जो अभी झारखंड है, उसने झारखंड में हत्या के आरोपियों को हथियार भी उपलब्ध कराए थे और वह यह हथियार जयपुर में सप्लाई कराने के लिए लेकर आया था और अपनी बहन के घर पर छुपा रखा था। पुलिस ने उसकी बहन, सौरभ की बहन को गिरफ्तार कर लिया और सौरभ की तलाश की जा रही है। इस मामले में यह भी जांच की जा रही है कि जो सौरभ है, इसने जयपुर में कहां कहां पर हथियार उपलब्ध करवाए थे उसकी बहन के मार्फत से, और कितनी कितनी राशि में इन्होंने ये हथियार खरीद कर लेकर आए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जानकारी के लिए।